गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत रत्न का ऐलान, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत तीन लोगों को मिलेगा देश का सबसे बड़ा सम्मान। समाजसेवी नानाजी देशमुख को भी मिलेगा भारत रत्न, भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पाने वालों को दी बधाई, प्रणब दा को बताया बेहतरीन राजनेता। राम मंदिर पर सुनवाई के लिए 5 जजों वाली बेंच का गठन, 29 जनवरी को होनी है सुनवाई। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस सीकरी की जगह 2 नए जज बेंच में शामिल, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को जगह। कल 70वां गणतंत्र दिवस मनाएगा देश, जगमग रोशनी में नहाए राष्ट्रपति भवन और संसद। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर देश की राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर करीब 25,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर घाटी में जबरदस्त सुरक्षा, श्रीनगर में हरेक आने जाने वालों पर पैनी नजर। गणतंत्र दिवस पर पंजाब भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद। 26 जनवरी के मद्देनजर राजस्थान में पाक सीमा पर सुरक्षा चाक चौबंद, सरहद से शहर तक मुस्तैद दिखे सैनिक। गणतंत्र दिवस के लिए पूर्वोत्तर में भी कड़ी सुरक्षा, गुवाहाटी में आने जाने वालों पर कड़ी नजर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को दिया संदेश, कहा गरीबी अंत करने के दौर में है भारत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल में शानदार नजारा, रंग बिरंगी रोशनी में नहाए सरकारी दफ्तर। देशभर में 26 जनवरी की जोरदार तैयारी, तिरंगे के रंग में जगमग हुई गाजियाबाद की एलिवेटेड सड़क। 26 जनवरी से पहले प्रयागराज में लोगों ने शहीदों को नमन किया, संगम तट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी रहेगी राजनीतिक जंग। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी गीता पढ़ने की नसीहत, का एक बार नहीं कई बार अध्ययन करें। ओडिशा के भुवनेश्वर से राहुल गांधी ने बीजेपी संघ पर वार किया, कहा दोनों मिलकर फैला रहे हैं नफरत। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना से जुड़े सवाल टाल गए राहुल, कहा मैंने नहीं सुनी ऐसी अटकलें। ओडिशा में राहुल ने किया चीन के मंत्रियों से मुलाकात का खुलासा, कहा मानसरोवर यात्रा के दौरान रोजगार पर बात हुई थी। राहुल के दावे पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा पार्टी हमेशा से कहती रही है कि चीन के मंत्रियों से मिलने गए थे कांग्रेस अध्यक्ष। देश पूछ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें थी जो आपने मंत्रियों के साथ चाइना में चर्चा की, छुपा के क्यों बातचीत की, इंडियन एम्बेसी को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। राहुल ने ओडिशा के सीएम पर भी निशाना साधा, कहा मोदी का छोटा अवतार है नवीन पटनायक। ओडिशा में भी राहुल ने चला किसान दांव, सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्ज माफी का वादा। भुवनेश्वर में दिखा राहुल का अनूठा अंदाज, फोटोशूट कर रहा फोटोग्राफर लड़खड़ाया तो उन्होंने संभाला। प्रियंका पर प्रचंड राजनीति के बीच राहुल ने की बहन की तारीफ, कहा उन्होंने पहले ही तय कर रखे थे अपने सियासी रास्ते। प्रियंका को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा कोई आ जाए कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। प्रियंका जी पहली बार राजनीति में नहीं है, कांग्रेस की जो दुर्गति उस समय हुई थी वही स्थिति इस बार भी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान, कहा सुंदर चेहरे से नहीं लिया जा सकता वोट। और यदि वो ऐसा सोचते हैं प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी प्रियंका पर हमला किया, कहा वाड्रा के प्रतिनिधि के तौर पर हुई प्रियंका की सियासत में एंट्री। वो तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिनिधि बनकर आ रही हैं, तो इसलिए हमले के तो और बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा, तो उनके आने का हम स्वागत करते हैं, वो आए। सिद्धू ने प्रियंका को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया, कहा कितना भी बोलो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बीजेपी वाले या और कोई बोल रहे हैं ये इनकी हड़बड़ाहट है, इनके पास तोड़ नहीं है, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि प्रियंका जी गेम चेंजर। प्रियंका की सियासत में आने को शिवसेना ने बताया कांग्रेस का ट्रंप कार्ड, कहा सही वक्त पर एंट्री हुई। हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पर सीबीआई का छापा, जमीन आवंटन घोटाले को लेकर दबिश।
2004 से 2007 तक दिल्ली हरियाणा में जमीन आवंटन में धांधली का आरोप, तब राज्य के सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। छापेमारी के खिलाफ हुड्डा के घर पर जुटे समर्थक, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लोकसभा चुनाव पर सर्वे का साइड इफेक्ट, अखिलेश के पीएम वाले पोस्टर भी चिपके, बीएसपी पहले ही बता चुकी है माया को भावी पीएम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वंदे मातरम गाने को लेकर लगाए गए पोस्टर, गणतंत्र दिवस पर स्ट्रेची हॉल में वंदे मातरम गाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 10% सवर्ण आरक्षण का मुद्दा, सुनवाई के लिए मंजूर की जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 10% सवर्ण आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया, केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब। राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदिवासी का विरोध प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अमर सिंह राठौड़ के बयान को लेकर नाराजगी। मेट्रो रूट पर आया ग्रेटर नोएडा, नोएडा से एक्वा लाइन को यूपी के सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। करीब 29 किलोमीटर है एक्वा मेट्रो रूट, कल से सफर कर सकेंगे आम जनता, 10 से 50 रुपए तक होगा किराया। बिहार के नालंदा में अपराधियों के हौसले बुलंद, 5 रुपए किराए के लिए पीट पीट कर एक किसान की हत्या। नासिक के रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक, 2 मीडियाकर्मियों समेत 4 को किया जख्मी। पंजाब के फजिलका में हथियारबंद कार सवारों ने दुल्हन को अगवा किया, सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी लड़की। ब्यूटी पार्लर के सामने घात लगाकर खड़े थे बदमाश, लड़की को अगवा करने के इरादे से पहले खोल रखा था कार का पिछला दरवाजा। चीखती चिल्लाती लड़की की किसी ने मदद नहीं की, शादी वाले दिन ही हुई हुआ अपहरण। कुरुक्षेत्र में साइकिल सवार की तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, युवक की हालत बहुत गंभीर। महाराष्ट्र के ठाणे में दुकान में घुसी बेकाबू स्कूल बस, बाल बाल बचे बच्चे। चित्रकूट में दबंग ने युवक को हंटर से पीटा, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में महोत्सव के दौरान हादसा, 50 फीट की ऊंचाई से झूले से गिरने से महिला की मौत। राजस्थान के अजमेर में एक फैक्ट्री में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। मध्य प्रदेश के बैतूल में आग का गोला बनी चलती कार, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। पटना के एक घर में भीषण आग, झुलसकर पति पत्नी की मौत। समस्तीपुर में आरजेडी नेता की हत्या के बाद जोरदार हंगामा, घंटों तक सड़क पर जाम लगाए रखा। मोतिहारी में स्कूल बस ने बच्ची को रौंदा, गुस्साए गांव वालों ने जमकर बवाल काटा, घंटों तक ड्राइवर को बंधक बनाया। बिहार में मुजफ्फरपुर के बिहार यूनिवर्सिटी में कुलपति से मिलने पहुंचे छात्रों का हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। 169 अंकों की गिरावट के साथ 36,025 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 69 अंक गंवा कर 10,780 पर बंद। 90 रुपए बढ़कर 33,300 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 100 रुपए बढ़कर 40,050 रुपए प्रति किलो। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है भारत, पीएम मोदी ने उम्मीद जताई। अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से 7.5% की दर से करेगी विकास, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने उम्मीद जताई। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 40 बेसिस पॉइंट से चूक सकती है सरकार, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट में दावा। पीयूष गोयल ने टैक्स अधिकारियों को द्वेष भावना से काम न करने की हिदायत दी, कारोबारियों को भी टैक्स चोरी न करने की चेतावनी। अक्टूबर दिसंबर में मारुति का मुनाफा 5 साल में सबसे अधिक लुढ़का, तीसरी तिमाही में 17% की कमी के साथ 1489 करोड़ पर। शुक्रवार को सरकार ने उड़ान 3 के तहत 235 रूट्स का बंटवारा किया, स्पाइसजेट, इंडिगो, जेट एयरवेज समेत 11 एयरलाइंस को आवंटन। सितंबर 2017 से नवंबर 2018 के दौरान देश में पैदा हुई 1.5 करोड़ नई नौकरियां, ईपीएफओ की रिपोर्ट के आधार पर सीएसओ ने दावा किया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समापन, आर्थिक मंदी और अमेरिका चीन के आर्थिक तनाव के मुद्दों के साथ खत्म हुई चर्चा। देशभर में रिलीज हुई बाल ठाकरे पर बनी फिल्म ठाकरे, देशभर में शिवसैनिकों ने थिएटर में दिखाया उत्साह। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका भी रिलीज, मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी बॉलीवुड हीरोइन। मुंबई में फिल्म गली बॉय का म्यूजिक लॉन्च, आलिया भट्ट रणवीर सिंह के साथ जोया अख्तर मौजूद रही।
हिमाचल में बर्फबारी का कहर, कुफरी में बर्फ की बारिश से एनएच 5 पर ट्रैफिक ठप। बर्फबारी से फिर बेहाल हुआ शिमला, ठंड और शीतलहर ने लोगों को परेशान किया। मनाली में बर्फबारी, 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। हिमाचल के कुल्लू में जोरदार बर्फबारी से थमी जिंदगी की रफ्तार, कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट। हिमाचल के मंडी में बर्फ से ढकी सड़क पर फिसली बस, सवार थी करीब 25 लोग, बड़ा हादसा टला। उत्तराखंड के जोशीमठ में 5 इंच बर्फबारी, लोगों की बड़ी मुश्किलें, चारों तरफ रास्ता बंद। उत्तराखंड के टिहरी में बर्फबारी के बाद अब बारिश से बड़ी परेशानी, होटल में कैद हैं सैकड़ों सैलानी। उत्तराखंड के धनौल्टी में भी जोरदार बर्फबारी, चंबा मसूरी मार्ग बंद। उत्तरकाशी में मूसलाधार बर्फबारी, कई जगहों पर बारिश ने भी मुश्किल बढ़ाई। जम्मू कश्मीर के रजौरी में ताजा बर्फबारी से राहत कार्य में रुकावट जारी है, रास्ते से बर्फ हटाने का काम। यूपी में कई जगहों पर अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, कानपुर में भारी बारिश से दिन में रात जैसा नजारा। प्रयागराज में बारिश और ओले ने बढ़ाई कुंभ श्रद्धालुओं की मुसीबत, साधु संत और कल्पवासियों की परेशानी बढ़ी। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, करीब 60 लोगों की मौत, 25,000 लोग बेघर। जलवायु परिवर्तन को लेकर बेल्जियम में सड़कों पर उतरे छात्र प्रोटेस्ट मार्च में, करीब 30,000 स्टूडेंट्स शामिल। नवाज शरीफ की तबीयत को लेकर पाक की पंजाब सरकार ने बनाया मेडिकल बोर्ड, डॉक्टरों ने दी है जेल से अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद तुलसी गैबार्ड ने राष्ट्रपति पद के लिए शुरू किया प्रचार, इंटरनेट पर पोस्ट किया वीडियो। कारोबार पर बातचीत के लिए अमेरिका पहुंचा चीन का प्रतिनिधिमंडल, दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के जल्द खत्म होने की उम्मीद। सुल्तान अहमद शाह को चुना गया मलेशिया का नया राजा, देश के 9 शाही घरानों के सुल्तानों ने किया चुनाव। 107 पर पहुंचा मेक्सिको में मौत का आंकड़ा, पिछले शुक्रवार को गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। टर्की के अंटालिया के सामने आया रेस्क्यू का वीडियो, बाढ़ से में फंसी एक कार में बैठी लड़की को बचाने की जद्दोजहद करता दिखा एक शख्स। उत्तर पश्चिम चीन के एक फार्म में दिखा अद्भुत नजारा, बर्फ के मैदान में रेस लगाते दिखे 100 से ज्यादा घोड़े। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर जारी की रिपोर्ट, दुनिया भर में सेहत और पर्यावरण के लिए बताया बड़ा खतरा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।